कालदूत की बात को माने बिना ही चेतन ने उस कलश को अपनी जगह से उठा लिया और कलश को अपने साथ बाहर लाते हुए मन ही मन बोला, अब चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। इधर अजयराज वीर सिंह के करीब खड़ा था। वो बेहोश वीर सिंह को देखकर जोर से चिल्लाया, चेतन और कितनी देर? जितना समय आप बाहर आने में लगाएंगे उतना अपने दोस्त को उसकी मृत्यु की ओर जाता देखेंगे। उसकी आवाज मंदिर के दरवाजे के पीछे चेतन के कानों तक पहुंच गई। तभी चेतन घबराते हुए बड़बड़ाया, ओ नो, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस आदमी का चेहरा सबके सामने आ सके। कहते हुए उसने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला। समय देखा तो रात के 2 बजे थे। तब वो गौतम का फोन नंबर डायल करते हुए बोला, गौतम को फोन कर देता हूँ, शायद वो मदद ले आए। कहते हुए वो फोन मिलाने ही वाला था कि तभी वो फोन कट करते हुए बोला, नहीं, इसमें तो काफी देर लग जाएगी। ये सोचते हुए जैसे ही उसने अपने आसपास देखा तो उसकी नजर मंदिर के बड़े से घंटे पर पड़ गई, जो आरती के समय के अलावा खतरे की चेतावनी के रूप में बजाया जाता था। चेतन उसे देख मुस्कुराकर बोला, लो हो गया काम। कहते हुए उसने उस घंटे को बजाना शुरू कर दिया। बाहर खड़े अजयराज ने जब उस घंटे की आवाज को सुना तो वो बेहद गुस्सा करते हुए वीर सिंह से बोला, बस अब बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता कि तेरे दोस्त को तेरी जिंदगी की कोई परवाह है। ये जो उसने हरकत की है वो तुझे और तेरे दोस्त दोनों को जिंदगी भर याद रहेगी। लेकिन तुझे मारने से पहले मुझे वो कलश चाहिए। कहते हुए वो वीर सिंह को जीप के पास छोड़कर सीधा मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा और प्रांगण के सबसे बाहर वाले दरवाजे पर अपने मंत्र का प्रहार कर दिया। अजयराज के प्रहार से दरवाजे का ताला टूट गया और दरवाजा खुला तो उसने पाया चेतन दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा था और वो लकड़ी का बक्सा उसके हाथ में था। तब अजयराज उसे देखकर जोर से चिल्लाया, अब तुम दोनों के मरने का समय आ गया। मैंने पिछली बार तुझसे कहा भी था, तुम्हें हर बार जीतना होगा और मुझे सिर्फ एक बार, और वो एक बार की जीत आज होकर रहेगी। चेतन उसकी इस बात को सुनकर हंसते हुए बोला, यार तुम भी ना कमाल के आदमी हो, बातें बहुत करते हो और करते वरते कुछ नहीं। अब देखो ना, घंटा बज चुका है, धीरे धीरे लोग यहाँ जमा होने लगेंगे, तब तुम्हें क्या लगता है तुम बचकर निकल जाओगे? अगर हिम्मत है तो आओ और ले लो ये कलश मुझसे। ये सुनते ही अजयराज के क्रोध की सीमा अपनी दहलीज पार कर गई और उसने तेजी से हमलावर मंत्र पढ़ा और चेतन पर दे मारा। चेतन इस हमले के लिए तैयार नहीं था, वार सीधा उसके सीने पर जा लगा और वो मंदिर के अंदर ही काफी दूर जाकर गिर गया। तब अजयराज बड़बड़ाते हुए बोला, जरूरी नहीं कि हर बार तुम ही जीतो। कहते हुए वो मंदिर की सीढ़ियों पर मुस्कुराते हुए चढ़ा और मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, स्वप्न लेखा तैयार हो जाओ, मैं तुझे आजाद करने की सामग्री अपने साथ ला रहा हूँ। कहते हुए अजयराज ने मंदिर की सीढ़ियों को खत्म कर मंदिर की दहलीज पर रखे उस कलश को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका पहला कदम मंदिर की दहलीज पर पड़ा ही था कि अचानक उसे तेज झटका लगा और वो सीधा मंदिर से नीचे जा गिरा। तब चेतन अजयराज की इस तरह की हालत को देख उठ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, तो तुझे क्या लगा ये पवित्र और सालों से खड़ा काल भैरव का ये प्राचीन मंदिर जो ईश्वर काल भैरव की देन है वो तुझ जैसी काली शक्ति के उपासक को मंदिर में घुसने भी देगा? तब अजयराज कराहकर उठते हुए बोला, तब तो तू खुद वो कलश मेरी हथेली पर लाकर रखेगा। कहते हुए अजयराज ने वीर सिंह की ओर देखा और सीधा मंत्र पढ़ते हुए वीर सिंह की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देख चेतन तेज आवाज के साथ उसे रोकते हुए बोला, नहीं नहीं अजयराज, उसे कुछ मत करना, मैं देता हूँ, तुझे एक कलश चाहिए ना। वीर सिंह की जान बचाने के लिए चेतन वो कलश लेकर मंदिर से बाहर आ गया। वो उम्मीद भरी निगाह से यहाँ वहां देख रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता था। तब अजयराज जोर से चिल्लाकर बोला, इस बक्से को वहीं जमीन पर रखकर दूर हट। फिलहाल चेतन के पास कोई और उपाय नहीं था। तभी वो बड़बड़ाते हुए मन ही मन बोला, हे भगवान, प्लीज हेल्प मी, प्लीज।
चेतन कुछ कर पाता उससे पहले ही अजयराज ने एक तीखा प्रहार चेतन पर किया, जिससे चेतन दूर जा गिरा। तब अजयराज उस बक्से की ओर बढ़ गया और उसे उठाते हुए बोला, आज तुम्हारी कोई भी विद्या, तुम्हारा कोई भी मंत्र मुझ पर बेअसर होगा। पहली बार ही सही, लेकिन ये जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी है। कहते हुए उसने जब बक्सा खोल कर देखा तो कलश उस बॉक्स के अंदर ही था, जिसे देखकर अजयराज ने मुस्कुराकर कहा, लो ये कलश तो मेरा हुआ और अब तुम दोनों को भी मरने से कोई बचा ना सकेगा। और जब तुम मरोगे तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लोगों को तुम्हारी लाशें मिल पाएगी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। कहते हुए जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक मंत्र का प्रहार सीधा अजयराज पर आ लगा और वो हवा में उड़ता हुआ सीधा बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसके कारण स्पार्क के चारों ओर फैल गई। जैसे ही अजयराज ने अपने आप को संभालते हुए देखा तो वहां गौतम और कार्तिक खड़े हुए थे। तब गौतम बोला, गलत फहमी है तुम्हारी, हमारे होते हुए तुम किसी को कुछ नहीं कर सकते। कहते हुए गौतम कार्तिक की ओर देखकर बोला, वैसे कार्तिक तुमने अपना पहला मंत्र ही कमाल पढ़ा, मैं तो अपना पहला मंत्र ठीक से नहीं पढ़ पाया था। तब कार्तिक भी खुश होते हुए बोला, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, खैर मैं कलश लाता हूँ, तुम जाकर पापा और मामा जी को देखो। ये सुनकर गौतम बोला, शौक से। इतना कहते हुए दोनों अपने अपने काम पर लग गए। गौतम ने पहले वीर सिंह को देखा, लेकिन वीर सिंह पूरी तरह से बेहोश था। तब वो उसे छोड़ चेतन के करीब पहुंचकर उसे उठाते हुए बोला, काका आप ठीक तो है ना? तब चेतन कराहते हुए बोला, मैं ठीक हूँ वीर सिंह, वो कैसा है और वो कलश? तब गौतम उसे समझाते हुए बोला, पापा सिर्फ बेहोश है और कलश कार्तिक के पास है। कहते हुए कार्तिक कलश लेकर चेतन की ओर आ ही रहा था कि अचानक अजयराज चेतन और बाकी सभी पर प्रहार करने लगा। वो तीनों किसी तरह बचते हुए मंदिर की बाहर वाली बाउंड्री वॉल तक पहुंच गए और अपने आप को बचा लिया। तभी अचानक अजयराज सामने आकर बोला, छिपने का कोई फायदा नहीं है, अब किसी भी तरह से तुम मौत से दूर नहीं रह पाओगे। तब चेतन बोला, रुको मैं इसे दिखाता हूँ कि आखिर ये किससे भिड़ रहा है, तब तक तुम जाओ और जाकर वीर सिंह को यहाँ ले आओ। ये कहते हुए चेतन उठा और अजयराज पर एक मंत्र पढ़कर अपने हाथों को फैलाकर जोर से बजा दिया। आवाज काफी तेज थी और उसके प्रभाव से चेतन के साथ अजयराज भी पीछे की ओर गिर गए। तभी वीर सिंह भी चेतन के करीब आ गया। चेतन ने जैसे ही वीर सिंह को देखा तो पाया उसके सिर से अब भी खून बह रहा था। उसने तुरंत ही अपनी जेब से रुमाल निकाला और वीर सिंह के सिर पर बांधते हुए बोला, उठो वीर सिंह, उठो और मदद करो हमारी। कहते हुए उसने अपनी शक्ति के प्रभाव से वीर सिंह को हल्का सा झटका दिया, जिसके कारण उसे होश आ गया। तब वीर सिंह कराहते हुए बोला, मैं मर गया क्या? के सुनते ही चेतन ने उसे खींच कर बैठा दिया और बोला, नहीं अब तक तो नहीं, लेकिन अगर फिर तुम उस नौसिखे से हारे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वीर सिंह मुस्कुराने लगा। तब चेतन बोला, बच्चों तुम कलश को लेकर यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से आगे हम संभाल लेंगे। इतना कहते हुए जैसे ही चेतन उठा तो उस पर प्रहार होने लगा। तब चेतन भी बिना हार माने एक के बाद एक अजयराज पर मंत्रों की बौछार करने लगा। इसी बीच जैसे ही गौतम और कार्तिक को कलश लेकर वहां से निकले ही थे कि तभी अजयराज चिल्ला कर बोला, ए रुक जाओ वरना। उसने इतना कहा ही था कि तभी चेतन ने जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर दे मारा और बोला, मैंने कहा था ना तुम जीत नहीं सकोगे, चलो हार मान जाओ और गांव के सामने अपना गुनाह कबूल कर लो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दूंगा। अब तो मन ही मन अजयराज को भी लग गया था कि वो हार गया है, क्योंकि आसपास लोग भी जमा होने लगे। तब वीर सिंह आगे आकर वहां जमा लोगों के सामने बोला, गांव वालों जरा देखो इस आदमी को, यही है गांव की नई खूनी वधू, इसी ने तुम्हारे और हमारे लोगों को मार दिया और आज खूनी वधू को आजाद करने के लिए कलश चुराने आया है।
ये कहते हुए वीर सिंह ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। तब अजयराज ने यहाँ वहाँ देखा और धीरे से उठ खड़ा हुआ। अजयराज उठकर खड़ा हुआ ही था कि तभी एक हवा का झोंका आया और अजयराज हवा में उठता हुआ उन सभी से दूर जाकर खड़ा हो गया। और अचानक इसी हवा के झोंके ने भागते हुए गौतम और कार्तिक को घेर कर अपने आप को काले धुएं में बदल लिया। चेतन और वीर सिंह भी टकरा गए, लेकिन जैसे ही उन दोनों ने अपने सामने जो देखा उसे देखकर कार्तिक और गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि खूनी वधू उन लोगों के सामने खड़ी थी। उसे वहां आता देख पूरे गांव वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि इनमें से कई लोगों ने पहली बार खूनी वधू को देखा था। चेतन और वीर सिंह को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। तब अचानक उस काले धुएं ने कार्तिक और गौतम को झटका देते हुए जमीन पर गिरा दिया और वो कलश बक्से से बाहर निकलकर लुढ़कता हुआ सीधा अजयराज के पास चला गया। अजयराज ने चेतन और वीर सिंह को जोरदार धक्का दिया और खुद को उस कलश तक पहुंचा दिया। अब तक पूरा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था। शालिनी, गोमती और लतिका भी वहां आ चुके थे। चेतन, वीर सिंह समेत सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। एकाएक अजयराज शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तो चेतन अब क्या कहोगे, हो गई पूरी मेहनत बेकार? देख लो गांव वालों, ये आधी उम्र जी चुका तुम्हारा अनुभवी रक्षक तुम्हें बचा ना सका, और ये ना तो इस कलश तक आता और ना ही मैं इसे ढूंढ पाता। अब तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि वो दो हत्याएं गांव में मैंने ही की थी, लेकिन अब क्या? ये सुनते ही चेतन बोला, अजयराज, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे और मेरे लोगों से है। हम आपस में ये मामला सुलझा लेंगे, लेकिन अगर तुमने उस आत्मा को जागृत कर दिया तो वो तुम्हारे लिए भी काल का मुंह बन जाएगी। उस पर विश्वास मत करो। तब अजयराज हंसते हुए बोला, तुम तो मुझे सही और गलत की सीख ना ही दो, जिसने खुद अपने ही लोगों को खूनी वधू के सच से दूर रखा। खैर, लतिका, मैं तुझे लेने वापस आऊंगा, और अब की बार तेरा ये पति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज तुम लोग मुझ अकेले के सामने हार गए तुम लोग। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते उसने उस कलश से वो काला कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही उस कलश से काला धुआं तेजी से बाहर निकल आया और एक जोरदार चीख चारों ओर फैल गई। उस चीख की आवाज का प्रभाव इतना तेज था कि मंदिर के आसपास के घरों की खिड़की दरवाजे टूट गए, और जब वो चीख शांत हुई तब एक आवाज सुनाई पड़ी, इतने साल कैद में रहने के बाद आजाद होकर अच्छा लग रहा है, अब आएगा असली मजा। यहाँ मौजूद हर वो इंसान जो मेरे अंत के तमाशे में शामिल था, इस चेतन और इसके परिवार के साथ मेरे हाथों मरने के लिए तैयार रहे, इंतजार करना मेरा। जैसे ही वो आवाज बंद हुई अचानक हवाएं चलने लगी। तभी कार्तिक पीछे मुड़ा और उस लड़की को खूनी वधु समझकर उस पर प्रहार कर दिया, जो सीधा उसके बाजू को छूकर गुजर गया, जिसके कारण उसकी चीख निकल गई। लेकिन अचानक उस तूफान के बीच भगदड़ मच गई और अजयराज और खूनी वधु के रूप में वो लड़की, वो दोनों वहां से गायब हो गए। क्या चेतन कालदूत की बात को टालने का दुष्परिणाम भुगतेगा? क्या फूलपुर इस घटना के बाद चेतन को 23 साल पीछे ले जाकर एक बार फिर कटघरे में खड़ा रखेगा? जानने के लिए सुनिए खूनी वधू।